हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस रूबी। और मैं हूँ रूबी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स इजीली निकल जाएंगे। और वो ट्रिक के लिए हम यूज करेंगे कॉलगेट। यस, ये वही पेस्ट है जिसे हम एवरी मॉर्निंग ब्रशिंग के लिए यूज करते हैं। बट आपको पता है, अगर आप सिर्फ यूट्यूब में सिर्फ कॉलगेट टाइप कर दोगे तो आपको इतनी वेरियस चैनल्स, इतने यूट्यूबर्स मिलेंगे जिसने हैक्स किया है कॉलगेट के लिए। जैसे कि आप फेशियल कैसे कर सकते हैं कॉलगेट से, आप कॉलगेट से गोरा कैसे हो सकते हैं, आप कॉलगेट से अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको कॉलगेट से रिलेटेड मिल जाएगी। बट क्या ये सच है? क्या एक्चुअली कॉलगेट वर्क करता है ये सब चीज़ों के लिए? तो चलिए देखते हैं क्या ये एक्चुअली हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड निकालता है या नहीं। मगर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉलगेट। आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, बेसिकली वो मिंटी होना चाहिए, मिंटी फ्लेवर होना चाहिए। तो ये कॉलगेट को मैं इस तरह से, थोड़ा सा ही हमें लेना है, तो ये मैंने इस तरह से, और एक चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है सॉल्ट, यानी नमक, जो हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, हमें ये नमक लेना है। सो हम सॉल्ट लेंगे जस्ट पिंच, थोड़ा सा ही लेना है हमें नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये नमक जो है ये हमारे एज अ स्क्रब काम करेगा, इसे एज अ स्क्रब यूज हो जाएगा जिससे हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स इजिली निकल जाएंगे। और हम लेंगे एक पुराना टूथब्रश, जो यूज किया हुआ टूथब्रश। ये टूथब्रश की हेल्प से हम हमारे अफेक्टेड एरियाज में लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें ब्लैक हेड्स होते हैं जनरली, जिसे ज्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स का उसे थोड़ा ज्यादा ब्रश करना चाहिए, और जिसे अगर स्लाइट प्रॉब्लम है, जैसे मुझे इतने प्रॉब्लम्स नहीं है ब्लैक हेड्स के, बट ऑफ कोर्स मुझे विंटर में हो गया उसमें ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ पे भी लोगों को होते हैं, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक हेड्स होते हैं। ओके, अगर आपकी स्किन में कुछ भी किस्म का कट्स हो या बर्न हो तो आप प्लीज उसमें नमक ना यूज करें, आप सिर्फ कॉलगेट ही यूज करिएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन लोग सोडा पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, बट मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसमें बेकिंग सोडा डालें या सोडा, बिकॉज वो बहुत ही हार्श होता है, उसमें ब्लीच पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपकी स्किन जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है इससे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप ये पहली बार अगर आप करना चाहते हैं टेस्ट, तो आप प्लीज ये पैच ट्राई कर दीजिए। पैच टेस्ट होता है आपके ईयर के पीछे या आपके हैंड्स पे, पहले ये 12 आवर्स पहले आप ये ट्राई कर दीजिए। मैंने ये पैच टेस्ट मेरे ईयर के पीछे किया था 12 आवर्स बाद, उसके बाद ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि मेरे को ट्राई करना है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी उससे। अगर आपको पैच टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज ये अवॉइड करिए। और मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी ओवर सेंसिटिव स्किन है तो आप ये प्लीज ये ट्राई ना करें, बिकॉज इसमें मिंट फ्लेवर है और नमक है, तो मे बी आपकी स्किन थोड़ी रेडनेस हो सकती है। तो अच्छा, देखिए ये जो मैंने ब्रश ले लिया है, अब इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से आपको स्क्रब करना है ये इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया है, और अब हम इसको करेंगे वॉश नॉर्मल पानी से। आपको फेस वॉश कुछ भी, कोई सोप यूज नहीं करना है, आपको नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है। तो चलिए वॉश करते हैं। सो मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है नॉर्मल वाटर से, इसमें मैंने कोई सोप या फेस वॉश नहीं यूज किया है। अगर आप देख सकते हैं, मेरे जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स जो इधर ज्यादा थे, एक्चुअली मैंने एक महीने से मैंने कोई स्क्रब नहीं यूज किया था, और यहाँ पे जो थे वो एक्चुअली निकल गए हैं। गाइस, इट्स 100% गुड ट्रिक। यस, मेरे रिकमेंडेशन पे आप जरूर एक बार जरूर ट्राई कर दीजिए इसे, और ट्राई करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। दिस ट्रिक एक्चुअली वर्क्स। सो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्दी लगा हो, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और भी ट्रिक्स के लिए आप मुझे कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, बाय।